नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। यानी ये कमेंट आया है भागवत पटेल जी का, उन्होंने कमेंट किया कि सर ये मेरा डाटा है, इसको आप प्रोवाइड कर दीजिए, बिस्वा में निकाल कर बता दीजिए ये ज़मीन कितना बिस्वा होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उन्होंने डाटा भेजा है ये पूर्व में लिखा है 105.4, अब इन्होंने फुट में लिया है, मीटर में लिया है, गज में लिया है, कुछ भी डाटा प्रोवाइड नहीं किया है। साथ ही साथ ये भी नहीं बताया कि किस प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं जो भी डाटा अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं जिस डाटा जो डाटा मैं प्रोवाइड करूँगा, मान लीजिए कि वो उत्तर प्रदेश से हो या राजस्थान से हो, तो मैं डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, बशर्ते आप कहाँ से हैं, क्योंकि आप अगर जानकारी देते हैं तो मैं उसी अनुसार आपके प्रदेश के हिसाब से डाटा प्रोवाइड करूँगा। तो मेरे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, उनका कुछ डाटा है जिसे आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, बट आप अपनी पूरी जानकारी दें, तो मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आसानी से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो पूर्व में 105.4 लिखा है, इसको हम आज फुट में मान लेते हैं, यानी ये लंबाई हमको फुट में मान लेते हैं, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन्होंने लंबाई दे दी, लेकिन इसकी यूनिट नहीं दी। यूनिट नहीं दिया तो थोड़ा सा दिक्कत होती है कि मैं किस में यूनिट में प्रोवाइड करूं। तो मैं ये डाटा आज आपको फुट में लेकर प्रोवाइड कर रहा हूं और उत्तर प्रदेश के हिसाब से डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो निश्चित रूप से सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, बशर्ते अगर आप दूसरे प्रदेश से हैं तो आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ईस्ट का मतलब हो गया क्या, ये हो गया आपका पूर्व, ठीक है, पूर्व। वेस्ट का मतलब हो गया आपका क्या, हो गया पश्चिम। नॉर्थ का मतलब हो गया आपका उत्तर, और साउथ का मतलब हो गया आपका दक्षिण। क्या हो गया, दक्षिण, ठीक। अब ये डाटा जो प्रोवाइड किया है, इसको हम एक ग्राफ बनाते हैं और उसके अनुसार हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे जो डाटा उन्होंने दिया है, अगर बात करें ईस्ट में कितना है, 105.4 फुट है। अब ईस्ट किधर है आपका, मैंने बताया आपको इधर ईस्ट है, ईस्ट का मतलब पूर्व हो गया, ईस्ट, वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ, इधर क्या हो गया नॉर्थ, इधर क्या हो गया आपका साउथ, ठीक। अब मैं इसकी लंबाई बनाता हूँ, यानी फिगर बनाता हूँ, तो ये है आपका 105, इधर कितना है 105.4 फुट, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात कीजिए, ये हो गया आपका पूर्व, पश्चिम में कितना है, पश्चिम में इधर हो गया, ठीक है। अब पश्चिम में कितना है, पश्चिम अगर हम बात करें तो ये 97.8 है, ठीक है। अब आपका नॉर्थ में यानी उत्तर में कितना है, ये है आपका 123 फुट, ठीक है। और इधर कितना है, ये है आपका 122.4, ठीक है, 122.4 फुट। अब यहाँ पे देखें, इधर 97 है, इधर 105 है, तो थोड़ी सी लंबाई ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये 123 है, ये कितना है 122 है, तो थोड़ी सी ये क्या होगी, कम होगी, इधर वाली कम होगी इधर की अपेक्षा, इधर वाली यहाँ पे ज़्यादा है इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम, वो औसत विधि के थ्रू निकालेंगे। औसत विधि क्या होता है, औसत विधि होता है कि इन दोनों का जोड़ करेंगे, यानी इधर वाली लंबाई इधर वाली को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे और इधर जोड़ेंगे, ठीक है, और आधा करेंगे। तो इसको हमने मान लिया है लंबाई और इसको मान लिया हमने चौड़ाई, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, यानी 123 और 122.4 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं 123 प्लस कितना 122.4, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, तो 122 और 123 अगर इसको जोड़ते हैं तो 200 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 245.4, तो यानी 245
245 245.4 बटे 2, यानी इसको अगर हम भाग करते हैं तो 122 कितना जाएगा, ये 7 के लगभग आ जाएगा। यानी ये औसत लंबाई अगर बात की जाए तो बीच वाली, औसत का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है। यानी ये कितना आ जाएगा, 122.7, ठीक, ये आपकी बीच वाली लंबाई निकल के आ गई। इसी प्रकार से 105 को और 97.8 को जोड़ेंगे तो ये वाली बीच वाली लाइन निकल के आएगी और ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। तो लंबाई गुणी चौड़ाई कर देंगे तो आपका कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 105 और 97 को जोड़िए तो ये लगभग आपका वैल्यू 203.2 ये आ जाएगा आपका 2 फुट के समथिंग, ठीक है। यानी सिंपल आप जोड़ लीजिए, 97 अगर ये पूरा 100 होता और ये भी आपका कितना होता, 100 होता, यानी अगर इसको हम दे देते कितना, 97 है तो इसमें हम 3 दे देंगे और ये इसको 100 जोड़ देंगे, 203.2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ा तो हमने कितना आया, 203.2, अब बटे करेंगे 2 तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 101.6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 101.6 यानी चौड़ाई इसकी निकल के आ जाएगी 101.6। यानी सिंपल आप समझ गए होंगे कि जो हमने लंबाई निकाली, 122.7, ठीक है, फुट में, और यहाँ पे हमने चौड़ाई इसकी निकाली कितनी, 101.6। अब हमें पता है कि आयताकार खेत है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई अगुणित में चौड़ाई, ठीक। यानी लंबाई कितना है, 122.7 अगुणित करेंगे यहाँ पे 101.6। अब टोटल गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आपका 12,466 यानी 12,466.32 ये वर्ग फुट में निकल के आ जाएगा। यानी कुल क्षेत्रफल आपको पता चल चुका कितना है आपका, ठीक है। यानी कितना है, 12,466.32 स्क्वायर फुट, अब ये कुल क्षेत्रफल निकल गया। अब उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो यानी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो एक बीघा जो होता है, एक बीघा की वैल्यू जो होती है वो आपका 27,225 स्क्वायर फुट होती है। बिस्वा की अगर बात करें, यानी एक बिस्वा में अगर बात करें तो एक बिस्वा में आपका ये होता है 1,361.25 स्क्वायर फुट, ठीक। तो ये कुल क्षेत्रफल निकला है कितना, 12,466.32। तो हमें बिस्वा में निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये अगर 27,000 के लगभग आता तो हम डायरेक्टली से भाग करते, 27,000 से कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 12,466 में हम 1,361.25 से भाग करेंगे, ठीक। यानी कुल क्षेत्रफल यहाँ से निकल के आएगा, यह है आपका 12,466.32, अब बटे में आप करेंगे 1,361.25। अब इसको आप भाग करिएगा, कैलकुलेटर उठाइएगा, वहाँ से भाग करिएगा और इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 9.1557 ये बिस्वा में आ जाएगा। यानी 9 बिस्वा से ज़्यादा है और 10 बिस्वा से कम है। सिंपल अगर बात करें तो 9 बिस्वा 3 धूर के समथिंग ज़मीन है ये। आप अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो ये डाटा आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि सही है, क्योंकि आप लेखपाल या पटवारी से भी संपर्क जरूर किया करें, क्योंकि खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित कागजात, अगर उनके कागज़ की बात की जाए, जो भी आपके डाटा होते हैं, तो उनको आप एक वेरीफाई भी कराया करें लेखपाल से, ठीक है, अपने यहाँ के लेखपाल से, क्योंकि बीघे बिस्वा की वैल्यू हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग होती है और प्रदेश वाइज अगर बात करें, ज़िले वाइज भी अलग अलग होती है।
अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, प्रयागराज में कुछ और डाटा चलता है, प्रतापगढ़ में कुछ और चलता है, अलीगढ़ में कुछ और चलता है। अगर बात करें वहीं पे आपका मेरठ में कुछ और चलता है, तो ये सब जगह जिले वाइज भी इसकी वैल्यू अलग अलग होती रहती है। इसलिए आप अपने लेखपाल से ज़रूर संपर्क करें कि क्या इसका सही डाटा है कि नहीं है। लेकिन मैं जो आपको डाटा प्रोवाइड करता हूँ वो सारा कुछ सही रहता है, बशर्ते आप एक बार वेरीफाई ज़रूर किया करें। किसी पे भरोसा नहीं करना है ये, लेकिन अपने आप को एक बार वेरीफाई करवाना है दोस्त लेखपाल से या किसी और से, ठीक है। तो ये डाटा आपको मिल गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे एक चैनल के बारे में जो कि मनुष्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया है, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं।